फाइनली गाइस पहुंच गए ऊटी में। सो हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू द डे टू ऑफ आवर कन्याकुमारी राइड। एंड आज हम जा रहे हैं मडिकेरी टू ऊटी, ठीक है। तो अभी ओए रारे, तो अभी ना हमको फ्यूल अप कराना है और ये होटल में रुके थे फॉर वन नाइट। अरे भाई इतनी बाइक हैवी है तो पीछे भी नहीं जा रही। टाइम हो रहा है 9:43। अच्छी नींद ली हमने, 8:30 को उठ गए थे हम लोग। एंड अभी फ्यूल डाल के ब्रेकफास्ट करेंगे और इसके बाद मैं ट्रिप ज़ीरो कर दूंगा। मेरा जो ट्रिप भी रहेगा वो मेरा ज़ीरो कर दूंगा, सो दैट मेरे को पता चलेगा मैं कितना किलोमीटर चला है वगैरह, ठीक है। अभी आए ब्रेकफास्ट करने, जो कल होटल में आए थे ना डिनर करने, उसी होटल में आए ब्रेकफास्ट करने। और मैं, मोइन और नानू इधर बैठे और बाकी सब लोग उधर है। एंड हमने ऑर्डर किया है डोसा, क्योंकि इनके पास ना मेनू कार्ड तो है लेकिन जो मेनू में है ना वो कुछ भी नहीं है, खाली डोसा और कुछ। तो तूने क्या ऑर्डर किया है? तू ऑर्डर क्या लाते किधर? राइस पुल है और पूरी भाजी है, तो पूरी भाजी नहीं चाहिए, ऑयल रहता है उसमें ज़्यादा। तो हमने किया है डोसा क्योंकि और कुछ है ही नहीं। वैसे मेरे को इडली चाहिए था लेकिन इडली भी नहीं है और नो ऑप्शंस। अभी वो आएगा, खाएंगे और सीधा पटपट से निकल जाएंगे। तो इधर ना मडिकेरी में वेदर बहुत ही बढ़िया है, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है और रात को ना बहुत ठंडी थी इधर। एंड अभी हम इधर एक्सप्लोर करने नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हमें आगे बहुत जाना है और वैसे भी कूर्ग नज़दीक ही है तो कभी भी आ सकते हैं इधर, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा मेन टारगेट है कन्याकुमारी वो करेंगे पहले। स्ट्रेट उस पर रे, अभी फिलहाल के लिए मैं लीड कर रहा हूँ सबको। मैं इनका सबका नेविगेटर हूँ, सबको बता रहा हूँ कैसा रास्ता है, किधर ट्विस्टीज है, गाड़ी आ रही है, सब बता रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड पे। टर्न आ रहे, उड़ लो, वेदर भी बहुत सही है इधर, बाद में धूप आएगी ऐसा फील तो आ रहा है। गाड़ी है तारे अल्टो, यही है, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या है। वो ग्रीनरी ग्रीनरी है इधर सब। तो गाइस अभी ना हमने मडिकेरी क्रॉस कर दिया है, अभी इधर से 77 किलोमीटर है मैसूर, लेकिन हम ना मैसूर में रुकेंगे नहीं, बस लंच करेंगे मैसूर में और सीधा ऊटी के लिए निकल जाएंगे। अभी रुके नारियल का पानी पीने, नारियल का पानी पी रहे अभी क्योंकि गर्मी इधर इतनी है ना, तो डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है तो ये ज़रूरी था नारियल का पानी, ये वाला ब्रेक भी ज़रूरी था। और ये हमारे भाई लोग अभी तक आए नहीं, दो वो लोग, एक हिमालयन और एक इंटरसेप्टर आई नहीं, उनका वेट कर रहे हैं ये पेड़ के नीचे। और इधर देखो बाइक हमारी गंदी हो गई है, तो इसको क्लीन भी कराना है। किधर तो रुकेंगे ना, प्रॉपर स्टे लेंगे तब बाइक भी क्लीन कराएंगे। और कुछ ऐसी हमारी दिख रही है बाइक, ये सुयश की बाइक है, ये मेरी बाइक है।
तो ये आ गया हमारा नारियल का पानी, हमने बस पानी लिया है, मलाई हमें नहीं चाहिए। और ये लोग भी आ गए, गुरु आ गया और नानू भी आ गया। ये देखो वीडियो क्या कर रहा है, देखो मलाई खा रहा है, मलाई खा रहा है, मलाई खा रहा है। डॉल्फिन गाइस, डॉल्फिन देखो, दुनिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार डॉल्फिन, दो पैर वाला डॉल्फिन मलाई खा रहा है। चीयर्स टू नारियल पानी गाइस। तो गाइज राइड अपडेट, हमने किया है 169 किलोमीटर अभी तक आफ्टर दैट नारियल पानी वाला ब्रेक। एंड अभी ऊटी इधर से 81 किलोमीटर। मेरा क्या सीन हुआ है पता है, जिधर मैसूर से आ रहे थे ना तब मेरा गोप्रो हैंग हो गया, तो उसका बैटरी निकाल के अब भी जस्ट डाला हूँ मैं, एंड दैट्स वाई मैसूर में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो अब तो लोग को मैसूर भी दिखा देता मैं। के बाद आएगा मधुमलाई फॉरेस्ट, उधर मजा आएगा, बहुत सारे जानवर दिखेंगे हमको। अभी ना हम ऊटी के बहुत नज़दीक पहुंच गए ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि आई कैन सी द माउंटेंस दिखने चालू हो गए अभी, और उससे पहले मधुमलाई का फॉरेस्ट आएगा। ठीक है, तो उधर कैमरा गोप्रो अलाउड है या नहीं पता नहीं फॉरेस्ट में, मेरे को देखते हैं क्या सीन होता है। काश ऐसे रोड सभी जगह होते हैं, चारों साइड ग्रीनरी, वाव फुल पावर। और हमारे जो मित्र थे गुरु, वो किधर आगे चले गए, आगे चलते ही जा रहे दिख भी नहीं रहे हमको। और जो हमारा सिद्धेश भाई है वो बहुत ही पीछे रह गया, क्योंकि उसकी गाड़ी को सिक्स गियर नहीं है। एंड हम दोनों, मैं और सुपर बेटी और साथ चल रहे हैं, बस 100 पे क्रूज करे जा रहे हैं कब से। वेरी गुड। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ये देखो इधर लिखा है डू नॉट स्टॉप, एलिफेंट जोन है इधर। हम थोड़ा हमारा इंस्टा 360 चालू करते हैं, और ये टर्न देखो भाई कितना बड़ा कर्व है इधर। तो गाइस ये वाले फॉरेस्ट में ना बीच में ना स्पीड ब्रेकर दिए गए हैं, जो कि बहुत सारे जानवरों का ना क्रॉसिंग का रोड रहता है। हाँ, इसकी वजह से उधर स्पीड ब्रेकर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवरों का ना एक ही रूट रहता है और वो उधर से ही क्रॉसिंग करते हैं रोड। हाँ, इसीलिए ये देखो, फिलहाल के लिए मैं हूँ, सुयश है एंड अमूल एंड सिद्धेश है, बाकी तीनों बहुत ही आगे चले गए, पता नहीं आगे इतना क्यों गए। ये व्यू देखो भाई क्या बढ़िया है, अगर फोन से अगर वीडियो निकालने को मिलता ना इधर मजा आ जाता भाई। कर्नाटक का भी फॉरेस्ट खत्म हो गया, अभी ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये फॉरेस्ट अभी इधर से चालू हो गया है। ये देखो मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, जिसके बारे में बात कर रहा था वो वाला। इधर गाड़ियां भी चेक कर रही हैं,
भाई कोई दारू वगैरह लेके जा रहा है या क्या? बंदर दिख रहे इधर, वो देखो कैसे बैठा है। बंदर को क्या देखेगा, बंदर तो बहुत देखे भाई आंबुली घाट पे। तो गाइज ये वाला है तमिलनाडु का फॉरेस्ट, और जिधर मैंने बोला था ना मंदीपुरा का फॉरेस्ट था वो था कर्नाटक का। तो कर्नाटक उधर ख़त्म हो गया और ये तमिलनाडु चालू हो गया इधर। अच्छा रिजर्व, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है तो कोई ना कोई तो दिखना चाहिए था, फिलहाल के लिए तो कोई दिख ही नहीं रहा आपको। बस ये फॉरेस्ट है, इधर के नज़ारे बढ़िया है, बस इतना ही। एंड बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं, जैसे कि वो माउंटेन देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है, कितना ऊंचा है भाई। तो गाइस कुछ तो दिखा हमें फॉरेस्ट में आगे, देखो हिरन दिखे, हिरन बहुत सारे हिरन। तो गाइस सामने पहाड़ देखो क्या बढ़िया दिख रहा है। एंड अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए ऑलमोस्ट, थोड़ा पीछे रुके थे चाय ब्रेक के लिए। इधर की रोड ना ज़बरदस्त सीनिक एकदम रोड, और अभी 24-23 किलोमीटर बाकी है ऊटी। एंड अभी अंधेरा हो जाएगा, देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। अगर इधर तक वीडियो पसंद आए ना तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड ऑल्सो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे बन रहे, ठीक है। तो गाइस हम पहुंच गए ऊटी में, अभी ऊटी सिटी में जाएंगे। फाइनली गाइस पहुंच गए ऊटी में। आते समय ना हेयरपिन रोड पे ना वीडियो बनाया Insta360 पे, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड इतनी ठंड है ना भाई, एकदम ठंड है इधर, फट गई हमारी ये ठंड में। और इधर पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े पेड़ हम इनके सामने तो भाई इतना छोटा दिख रहे हैं, चींटी की तरह बिल्कुल। GoPro का ना मेरा बैटरी लो हो गया था, इसलिए नीचे हेयरपिन बैंड पे ना वीडियो नहीं बनाया, अब खाली इंस्टा पे बनाया। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:35। अच्छा कवर किया, जो वेब ने बताया था टाइमिंग ना वही टाइम पे हम पहुंचे इधर।
ये नज़ारे देखो गाइस, अभी ना होटल ढूंढना है हमको, होटल ढूंढना है और कुछ खाना भी है पेट में डालना है क्योंकि कुछ खाया नहीं है हमने, चाय के साथ बिस्कुट खाया था बस, क्रिप्स अगर यार इसको हीटेड क्रिप्स रहता ना तो और बेटर रहता, क्योंकि हार इतना ठंड पड़ गया ना, सुन हो गया एकदम। अभी टाइम हो रहा है 6:49 एंड आ गए हैं हम हमारे होम स्टे में, जहाँ हमारा रूम दो बेडरूम है, एक हॉल है, टीवी भी है इधर, एक रूम और ये हमारा दूसरा रूम, ये हमारा सारा लगेज इधर। टीवी में तो कन्नड़ पे चल रहा है, कन्नड़ समझ नहीं आ रहा है कौन सा भाषा है, कन्नड़ या मलयालम पता नहीं।